Hello everyone, myself Bhupendra Singh Chauhan from Little Angel Senior Secondary School, Kannada. तो हमने 10 प्लस जो है उसके चैप्टर 7 के कल जो लास्ट वीडियो में देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और उसकी एक्सरसाइज 7.2 जो थी उसके कुछ क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। तो उसके आगे जो क्वेश्चन है, आगे के जो है एक्सरसाइज उसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं अभी वो सारे किसके हैं? प्रूव दैट के हैं। किसके हैं? प्रूव दैट। चलो ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 8 से। क्वेश्चन नंबर सेवन से स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन अब जो है किसके हैं? प्रूव करने के, प्रूव दैट। ठीक है, क्या है कि प्रूव द फॉलोइंग, ठीक है। इन सबको क्या करना है? प्रूव करना है। तो प्रूव में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में लिख देता हूँ साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इज इक्वल टू, प्रूव करना है 2 cos 25, ठीक है। तो इसको हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर जो एंगल्स आ रहे हैं उनको अगर हम देखें तो 65 डिग्री 25 डिग्री जो हमारे पास टेबल में उनकी वैल्यूज नहीं है, तो मैंने कहा था यही इसकी पहचान होगी कि आप इसमें क्या यूज करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी वो आपको हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो cos 65 है तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, टेकिंग LHS और हम करेंगे sin 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री। इसमें क्या करेंगे दोनों में से, आप देखो cos को चेंज कर दूं तो वो sin में आएगा और sin को चेंज करूंगा तो cos में आएगा, लेकिन हमको जो प्रूव करना है वो किस में आना चाहिए, cos में। तो हम करेंगे यहां पर चेंज इसको sin को, तो sin को चेंज करेंगे cos और यहां क्या आएगा 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा, यानी कि 90 माइनस क्या कर लेंगे 65 प्लस cos 25। तो हमारे पास आ गया cos 95, तो cos 25 प्लस cos 25 देन ये हो गया 2 cos 25 होगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी कर लेते हैं हम सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कुछ इस तरीके से है, साइन 35 डिग्री और 55 डिग्री, वैसे ये किया था हमने लास्ट वीडियो में, फिर भी देखते हैं इसको, cos 35 डिग्री एंड cos 55 डिग्री इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? इज इक्वल टू 0 हमको प्रूव करना है। तो एक काम कर लेता हूं मैं, इस यहीं से स्टार्ट कर देता हूं, इसी को कहते हैं हम LHS और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए, तो 0 आनी चाहिए। यहां पर देखो sin 35 और cos 55 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो चाहे इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर दें तो भी अपना काम आ जाएगा, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, ठीक है। तो इन दोनों में से 35 डिग्री और cos को, ठीक है, तो cos को चेंज करेंगे sin 90 माइनस, ठीक है, sin 90 माइनस, एक काम करते हैं इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, sin 35 है और cos 35, ठीक है, इन दोनों से तो काम नहीं होगा, एक sin है और दूसरा किसका लेना है cos, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो इसको इन दोनों का एज इट इज रख लो cos 55 डिग्री। अब देखो इन यहां पर क्वेश्चन मिसप्रिंट है, आपका क्वेश्चन मिसप्रिंट है, तो ये हो गया cos, ये बनेगा sin, ठीक है, आपका क्वेश्चन मिसप्रिंट है, मैं सही कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया, बुक में मिसप्रिंट देखा तो देख लेना थोड़ा, तो ये दोनों एज इट इज रख लिए। अब इसके लिए ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, एक और एक यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि cos और 90 माइनस क्या कर लेंगे 35, इसको चेंज कर देंगे तो cos 90 माइनस 35 ये 55 और ये 55 बन जाएगा और ये बन गया cos को sin में, sin 90 माइनस 55 तो ये बन जाएगा 35 और ये सेम बन जाएगा। तो यहां पर देखो sin 35 और cos 55 माइनस ये बना cos 55, 90 माइनस 35 55 डिग्री sin 35 डिग्री, ये दोनों क्या हो गए आपके कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया 0। तो इस तरीके से आपका RHS आ गया, हेंस RHS, ठीक है।
तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 8 जो था आपका वो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। Yes. तो क्वेश्चन नंबर 9th पे सिंपल सा क्वेश्चन है। 9th में कहा है कि cos 70 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री अपॉन sin 31 डिग्री माइनस 8 sin स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? जीरो इज इक्वल टू हमको जीरो प्रूव करना है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं, इसकी वैल्यू हमको प्रूव करनी है जीरो। तो ये आपकी क्या हो गई? लेफ्ट हैंड साइड। इसको सॉल्यूशन में क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पर देखो ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है। मैंने कहा था दोनों में से एक को चेंज करो, तो साइन क्या लिखेंगे? 90 माइनस 70 अपॉन साइन 20 प्लस ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 59 अपॉन साइन 31, ठीक है, और माइनस 8 साइन स्क्वायर का साइन 30 मेरे को पता है हमको, तो 1/2 होल स्क्वायर। तो यहां पर देखो क्या आया, साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री और प्लस साइन 31 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 4। नेक्स्ट पॉइंट ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, 1 प्लस 1 माइनस 2, तो ये आ गया 0। हेंस प्रूव। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। तो एक बार आप कर लेते हैं इसको। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें वही कहा है प्रूव दैट, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है हमको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो इसको प्रूव करना है, तो सॉल्यूशन यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं। सॉल्यूशन तो ये आपका क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपकी क्या है? राइट हैंड साइड। क्या हम करते हैं, हमारे पास पहला ऑप्शन है कि लेफ्ट हैंड साइड को सिंपलीफाई करें, तो लेफ्ट हैंड साइड को साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपका निकल कर आ गया। अब क्या करें आगे? तो अब हम करेंगे कि देखो ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है क्या? नहीं है, तो इसको भी आप सिंपल कर लो और इसको साइन कोस में आप कन्वर्ट कर लो। तो टेन को हम लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको आइडेंटिटी कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है, सेक को किस में कन्वर्ट कर लो? कॉस में, तो 1 अपॉन कॉस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, देन ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर जब इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इसको क्या करके लिखेंगे? उल्टा करके, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1, ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास आया देखो साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 10 हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ, तो हमने कहा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर
लास्ट 10 सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 11 12 13 होमवर्क में दिए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो उसको हम नेक्स्ट डाउट क्लास के अंदर उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो उसको बाद में करवाएंगे, देखते हैं। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इफ गिवन है आपको साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री एंड 3 थीटा, यहां पर क्या है आपका 3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 डिग्री इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले, ठीक है, थीटा और इस तरीके से, तो हमको क्या चाहिए, अंदर का यहाँ वाला एलिमेंट चाहिए, यहाँ वाला पार्ट, और दोनों तरफ इस तरीके से दोनों में थीटा, ठीक है। तो जब तक ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाते आपका थीटा फाइंड नहीं होगा। तो जब सॉल्व करते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों में भी आपका क्या लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट लगेगा। तो हम क्या करेंगे, साइन 3 थीटा गिवन दैट साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। अब साइन 3 थीटा को किस में कन्वर्ट कर दो, कॉस में, इसको रहने दो, इसको कन्वर्ट करो, जिसमें टू टर्म है उसको नहीं करेंगे, जिसमें वन टर्म है उसको करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है ना, 3 थीटा साइन को लिखा कॉस, तो यहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट्री 3 थीटा, तो अगर थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा, तो एंगल यहाँ पर 3 थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 3 थीटा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 6 डिग्री। तो आपको अगर इसको 3 थीटा को इधर ले लेते हैं, तो थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 6 डिग्री, तो ये हो गया 4 थीटा इज इक्वल टू 96 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 96 अपॉन 4, तो 2 टाइम और 1, तो ये हो गया 6 टाइम, तो 26 डिग्री जो है वो आपके थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, 16, 17, ठीक है, 16 क्वेश्चन भी वैसा ही है, तो मैं यहाँ पर सॉल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है sec 5 थीटा, sec 5 थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस 36 डिग्री, तो थीटा माइनस 36 डिग्री, वेयर 5 थीटा एंड थीटा माइनस 30 डिग्री इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का रीजन मैंने बताया आगे, ठीक है, उस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। चलो ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हमको थीटा चाहिए, तो sec को कन्वर्ट करेंगे, sec को किस में कन्वर्ट करेंगे, cosec 90 माइनस 5 थीटा, क्या कर लेंगे, cosec 90 माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस 36 डिग्री। cosec cosec कैंसिल, 90 माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 36, तो इसको इधर ले लें तो थीटा प्लस, इसको इधर ले लें तो 5 थीटा एंड 90 प्लस 36, ठीक है, तो ये हो गया 6 थीटा इज इक्वल टू 6 एंड 12, तो ये आ गया, और थीटा इज इक्वल टू 1 टू 6 अपॉन 6 टू 2 1 21 डिग्री। ये इस तरीके 16 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, तो नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। यस, तो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल, लिख देते हैं ए ए बी एंड सी आर इंटीरियर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC, interior angle of triangle ABC, then prove that tan B plus C by 2 is equal to cot A by 2, क्या प्रूव करना है, tan AB plus C by 2
इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट ए बाय टू, ये हमको टू करके लाना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। गिवन ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन ठीक है। इसको टू प्रोसेस दो तरीकों से हम करने वाले हैं, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे हैं कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल, देन प्रूव दैट, तो हम इसका यूज कर रहे हैं कि ए बी इंटीरियर एंगल है, तो हम ये प्रूव करेंगे। सेकंड केस में अगर ये दोनों इक्वल है तो वो इंटीरियर एंगल है, दोनों बातें सही हैं, तो चलो उसे करते हैं। तो अगर ये इंटीरियर एंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। हमको पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर अब क्या करना है, अब इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सेट करना पड़ेगा। b प्लस सी बाई टू बन रहा है और यहाँ a बाई टू है, तो हम क्या करेंगे b प्लस सी यहाँ से बना सकते हैं। b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस, फिर क्या करेंगे डिवाइड बाई टू, ठीक है, डिवाइड बाई टू। तो b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 180 माइनस a बाई टू, ठीक है। इससे क्या मैग्नीट्यूड होगा, ये बना b प्लस सी बाई टू तो 90 हो जाएगा, 180 बाई टू a बाई टू a बाई टू, ठीक है। यहाँ तक तो इतना पैटर्न था वो जो कुछ बन रहा है, अब क्या करेंगे उसके ऊपर 10, ठीक है। तो हम दोनों तरफ क्या देंगे 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो गया b प्लस सी बाई टू, इस तरफ तो एज इट इज आपका एल एच एस बन गया, और इधर भी हम 10 लिखेंगे 10 90 माइनस a बाई तो क्या हुआ देखो इससे, तो इसके इससे आपके पास आया 10 b plus c by 2 equal to 10 90 minus theta, 10 90 minus theta याद आ रहा है 10 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा cot में, और क्या आ जाएगा 90 minus theta theta, theta कौन है a by 2, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें देखें तो इसको सेकंड प्रोसेस क्या हो सकता है, सेकंड ये हो सकता है कि अगर हम क्या लेंगे इस कंडीशन को लेंगे कि 10 b plus c by 2 is equal to cot a by 2, ठीक है। अब इसमें कन्वर्ट कर देते हैं 10 b plus c by 2, मतलब कुल मिलाकर ये भी पहले ये लिखो फिर ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, मतलब ये कंडीशन वापस आ जाएगी। देखो क्या करते हैं 10 90 minus a by 2, 10 से 10 आपका क्या हो गया कैंसिल, आया b plus c by 2 is equal to 90 degree minus a by 2 b plus c by 2 2 LCM 180 minus a 2 2 cancel, तो a plus b plus c equal to 180, then a b c are interior angle of triangle। दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी आपका सिमिलर क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं। 18 का है cos 2 theta is equal to sin 4 theta, cos 2 theta is equal to sin 4 theta, and where 2 theta and 4 theta are acute angle, then find the value of theta। तो सेम सिमिलर प्रोसेस, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लें, इसको लिखेंगे sin 90 minus 2 theta और इसको भी लिखेंगे sin 4 theta। साइन कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा, थीटा को क्या करेंगे थीटा को सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 थीटा, और 2 थीटा यहां आएगा तो प्लस का 2 थीटा, और ये हो गया आपका 90 डिग्री। 2 थीटा को कहां ले आएंगे हम, द राइट हैंड साइड पे, ये आ जाएगा प्लस 2 थीटा, तो 6 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 6 1 एंड 5 15 डिग्री। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
तो हम आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया है, एग्जाम्पल्स इसके सोल्व करने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउट्स है, ऐसा नहीं किया ऐसे ही बिना डाउट सोल्व किए ही डाउट आ जाए, सोल्व करना है, ठीक है। और रियली आपको लगे कि नहीं ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम है, तो उस डाउट को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, या फिर मुझसे मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस पर सेंड कर दें। तो आज हमने 7.2 जो एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट कर ली है, और इसी के साथ आपकी जो 7 चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।